नमस्कार दोस्तों, तो बहुत दिनों के बाद में आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फन फूड फैक्ट्स में। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कोल्हापुर की स्पेशलिटी होटल में बनाया जाने वाला तांबड़ा पांडरा रस्सा। तो दोस्तों, जब मैंने कोल्हापुरी मिसल पाव की रेसिपी शेयर करी थी, तभी बहुत सारे लोगों का कमेंट बॉक्स में कमेंट आया था कि मैम तांबड़ा पांडरा की भी रेसिपी शेयर करो। तो आज हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं कि यह होटल के किचन में बनता कैसे है। तो फर्स्टली हम देखेंगे कि यह तांबड़ा रस्सा बनता कैसे है। तो सबसे पहले हम इनका वाटण देखेंगे कि ये बनाते कैसे है। तो यहाँ पर लिया गया है ओला खोबरा, जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके लिया है, देखिए इस तरीके से। तो देख सकते हैं कि इसमें कोकोनट के पीसेस लिए गए हैं, उसके बाद में ये जो बड़ी इलायची है वो ली गई है, छोटी ग्रीन वाली इलायची ये ली गई है। इसकी जो डिटेल्ड क्वांटिटी है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो हम आगे देखेंगे तो कुछ ये काली मिरी, और उसके बाद में ये स्टार फूल, चक्र फूल भी इसको कहते हैं, कोथिंबीर, और इसके बाद में कुछ लहसुन, लहसुन की दो तीन गड्डिया, थोड़ी सी लौंग और दालचीनी, और ये दालचीनी, ये दालचीनी, ठीक। और साथ में ये जो काजू और मगज भी है वो भी ली गई है। अब इन सारी चीजों को मिक्सर जार में डालकर अच्छी तरीके से पीस के लेना है। तो पीसने के बाद में ये जो मसाले की कंसिस्टेंसी है वो कुछ इतनी होनी चाहिए, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक 4 किलो के आसपास मटन लिया है, है। अब इस मटन को हमें पका के लेना है, तो इसके लिए लगेगा एक बड़ा सा पतीला जिसमें तेल डाला गया है और कुछ खड़े मसाले डाले गए हैं, जैसे कि तमालपत्री, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, मिरी इत्यादि। अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन को अच्छी तरीके से भून के लेना है, और इसमें डालना है स्वादानुसार नमक, चिकन। अब इस चिकन को इन मसालों में डालकर अच्छी तरीके से भून लेना है हाई फ्लेम पे, ताकि इसका जो भी स्वाद है वो इस चिकन में उतर सके। देखिए, अब फ्लेम को धीमा करना है और इसमें डालना है पानी। कुछ देर बाद जैसे इसमें बॉईल आता है तो चेक करना है जो चिकन है वो बॉईल हुआ है कि नहीं, और उसके बाद में ये जो स्टॉक है और ये चिकन है इसको सेपरेट करके लेना है, देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर किया जा रहा है तांबड़े रस्से का प्रिपरेशन। अब बड़े से पतीले में यहाँ पर डाला गया है तेल, तेल की क्वांटिटी आप देख सकते हैं। इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी जो तर्री है वो इसी से बनती है। अब इसमें तमालपत्री, बहुत सारा बारीक बारीक कटा हुआ प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, और इसे अच्छी तरीके से भून लेना है। एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना है, ये जो सारी प्रोसेस है वो हमें हाई फ्लेम पे करनी है। प्याज थोड़ा सा पिंकिश होने के बाद में ही इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, और उसे भी अच्छी तरीके से भून के लेना है। अब हमने पहले तांबड़ा रसा के लिए जो वाटण बनाया था वो इसमें डालना है, पोर करना है। अब इसको एक बार ही अच्छी तरीके से स्टर करके लेना है, देखिए। थोड़ा सा उबाल आने के बाद में इसमें डालना है स्वाद अनुसार नमक, कोल्हापुरी कांदा लहसुन मसाला, और ये जो कांदा लहसुन मसाला है इसको आप स्किप कर ही नहीं सकते, इसके बिना ये जो रसा है वो बन ही नहीं सकता।
अब इसमें जाएगा सुहाना का चिकन मसाला और थोड़ी सी हल्दी, और इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला के लेना है। देखिए अब इस मसाले से तेल छूट चुका है, अपने हिसाब से नमक मिर्च एडजस्ट करना है। अब इसमें जाएगा चिकन का स्टॉक, अच्छे तरीके से स्टर करना है, और इसके बाद में इसको एक अच्छे से बॉईल पे लेके आना है। जब ये रसा बॉईल पे आ जाए तब इसको 10 से 20 मिनट के लिए कुक करके लेना है। तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितना एक बढ़िया सा कट आ गया है, जिसको आप तर्री भी कह सकते हैं। तो आपका ये झणझणित नाथ खुला रसा तैयार है, तांबड़ा रसा तैयार है। अब हम करने वाले हैं पांडरे रसे की प्रिपरेशन। तो यहाँ पर एक बड़ा सा पतीला लिया गया है, जिसमें डाला है 200 ग्राम मगज भी, 100 ग्राम काजू कनी या फिर इसे काजू का चूरा भी कहते हैं, और लास्ट में डाला गया है 50 ग्राम तिल। अब इसमें डाला गया है 2 जार भर के पानी, और इसे चढ़ाएंगे उबालने के लिए। हाई फ्लेम पे इसे 15 से 20 मिनट के लिए उबाल के लेना है। देखिए अब ये उबल चुका है, और इसका जो पानी है वो अलग कर दिया गया है। उबालने का बस एक ही मकसद है, इसका जो रॉ स्मेल है, कच्चापन है, वो पूरी तरीके से इसमें से निकल जाए। अब इसको फटाफट से एक मिक्सर जार में ट्रांसफर करके लेना है। अब इसमें जाएगी 6 से 7 ग्रीन वाली इलायची। अब इन्होंने इसको अच्छी तरीके से पीस के लिया है, देखिए कितना फाइन पीसा है। अब इस पांडरा रसा के मसाले को एक अलग से बर्तन में निकाल के लेना है। तो ये रेडी हो चुका है पांडरे रसे का वाटण। अब बनाएंगे इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट, जो कि है नारियल का दूध, कोकोनट मिल्क। वैसे तो आप रेडीमेड बाजार का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो होटल वाले हैं वो खुद ही बनाते हैं, तो देखते हैं इसकी रेसिपी भी। इधर एक बर्तन लिया गया है जिसके ऊपर छन्नी रखी गई है, और जिसको कवर किया गया है कॉटन के कपड़े से। अब इन कोकोनट के टुकड़ों को मिक्सर जार में ग्राइंड करके लिया है। अब ये जो नारियल का पेस्ट है, इसको इस कॉटन के कपड़े से सीव करके लेना है, ताकि नीचे बर्तन में एक बहुत अच्छा टेक्सचर वाला कोकोनट मिल्क हमें प्राप्त हो सके। अब यहाँ पर नारियल का दूध रेडी हो चुका है, पांडरे रसे के लिए लगने वाला स्टॉक भी रेडी हो चुका है, और इसके लिए लगने वाला वाटण भी रेडी हो चुका है। अब पांडरा रसा बनाने के लिए एक बड़े से बर्तन में तेल ऐड कर दीजिए, तेल इसमें भी ज़्यादा लगेगा। अब ये तेल गर्म होने के बाद में इसमें कुछ खड़े मसाले डाले जाएंगे। अब वो क्या क्या खड़े मसाले हैं जल्दी से देखते हैं। थोड़ी सी काली मिरी, 3-4 दालचीनी, 2 से 3 चक्रफूल, और बड़ी इलायची, काली वाली इलायची। अब इन सारे खड़े मसालों को इस तेल में डालना है। जैसे ही ये मसाले फूटने लग जाए, तड़कने लग जाए, इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको अच्छे तरीके से भून के लेना है, जिससे कि इसका जो भी कच्चापन है वो निकल जाए। अब ये जो वाटन बनाया था पांडरा रसा के लिए, वो भी इसमें ऐड कर देना है। अब इसको मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। अब इसमें वो जो नारियल का दूध बना के लिया था वो भी डालना है, देखिए। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालना है, और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला के लेना है, और फाइनली जाएगा इसमें स्टॉक। तो देखिए दोस्तों, अब ये अच्छे बॉईल पे आ चुका है, और अपना पांडरा रसा रेडी हो चुका है। इसी तरह की स्ट्रीट फूड रेसिपीज के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।